अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप शामिल हो नासर बाकी अब्दुल नाज़रीन। आज प्रोग्राम जिम्मेदार फोन के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। अभी बकरा ईद की आमद है और यहाँ पे लोग कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ पे बकरों का रेट 80,000 और 1,00,000 रुपए की आवाज आ रही हो, वहाँ लोगों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल है और बकरे के अंदर 3 या 7 हिस्से भी नहीं डाले जा सकते। इस हवाले से कुछ लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप लोग कुर्बानी करेंगे इस मुश्किल हालात में, इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए जहां जीना मुश्किल है वहां क्या वो ये कुर्बानी करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ एक भाई मौजूद है, खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद साहब ये बताइए इस तरह कुर्बानी करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा इरादा है, हर मुसलमान का इरादा होता है वो हज करे, उमरा करे, कुर्बानी करे, अल्लाह की राह में जो भी उससे मदद करे। भाई जो है ये रोजाना यहाँ पे अंडे और ये आलूओं के चिप्स बना के ये बेचते हैं, इनको बड़े अरसा दराज से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि इस शख्स ने अपनी मेहनत और मजदूरी को कभी नहीं छोड़ा। चाहे आलू का रेट 20 रुपए था, आज 200 रुपए है, फिर भी ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक मजदूर के लिए आज आटा चीनी दाल पूरी करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज इस मजदूर से पूछेंगे कि ये जो बकरा ईद आ रही है क्या आप इस पर कुर्बानी करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह बकरा ईद आ रही है, कुर्बानी का इरादा है? कुर्बानी पैसों से बंदा करेगा, जब पैसा नहीं तो कुर्बानी की बकरा खरीद सकते हैं? एक बकरा जो 50,000 एक लाख रुपए का बकरा हो, गरीब लोग तो छोड़ो, जो मानदार वो भी नहीं कर सकते। वो बंदा करेगा जो सिफारशी या हराम हराम पैसा होगा, रिश्वतों का पैसा होगा, वो बंदा करेगा। आम लोग तो नहीं कर सकते, आम लोग बहुत मुश्किल है जी, इतना महंगा है कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए कि अगर एक बकरे में 3 हिस्से डाल दे बंदा फिर तो हो सकता? कुर्बानी तो वो होगा कि जो खुदा ने बताया उसके पैगंबर ने बताया, बकरे में एक ही हिस्सा होता है, एक ही हिस्सा, एक ही हिस्सा। अब ये सोचने की बात है कि क्या बकरे में या आइंदा आने वाले दौर में हम ये जो हमारा कुलंगी मुर्गा है उसमें 3 या 4 हिस्से डाल के कुर्बानी करेंगे? कैसे करेंगे कुर्बानी? हुक्मरानों को इस जानब सोचना होगा। या भी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात प्रोग्राम है, सवाल कुर्बानी करेंगे नहीं? ये भाई कह रहे हैं मैं करूँगा, चाहे मुश्किल हालात हो या अच्छे हो। अच्छा मेरे साथ कुछ और भी भाई बोलते हैं, आप बताइएगा कि क्या आप कुर्बानी करेंगे? मतलब यानी कि आपका कहना क्या है कि सस्ती हो तो कुर्बानी करेंगे, महंगी हो तो नहीं करेंगे? महंगी मतलब यानी कि एक जो बैल है या जिसको हम उर्दू ज़बान में दान कहते हैं, ये जो है ये अगर 1.5-2 लाख का हो तो आप सोच भी नहीं सकते। मुर्गे वाली बातें चल रही हैं, हुकूमत को इस जानब सोचना होगा। मेरे मुल्क में खुशहाली नहीं है, बदहाली है, लोगों के लिए मुश्किल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक साहब। कुर्बानी करेंगे? नहीं, साहब ये बात गलत है। फ्रिज के लिए कर्जा ले सकते हैं, गाड़ी के लिए दे सकते हैं, घर के लिए दे सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए दे सकते हैं, तो कुर्बानी के लिए भी कर्जा लेंगे? कुर्बानी सूदी कुर्बानी में पैसे लेगा तो नहीं हो सकती ना, सूद पे लेगा कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है कि सूद पे पैसे लेके तो कुर्बानी नहीं हो सकती, कर्जा लेकर भी नहीं हो सकती, कर्जा लेकर भी नहीं हो सकती। हाँ बाद में कर्जे लाएंगे कुर्बानियाँ भी कर रहे हैं, आगे ला जाओ तुम, ये मसला बन सकता है। लेकिन ये सवाल जरूर करते हैं कि आज ये जो लोग जगह जगह रुल रहे हैं, आज जो लोग अपने दिल से खून के आंसू रोते हुए जब ये कह रहे हैं कि मैं कुर्बानी नहीं कर सकता, आपके लिए भी कोई कुर्बानी नहीं दे सकेगा और ये आपके लिए मुसीबतें बढ़ती जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि रेट जमीन पे चल रहे हैं, हम जानते हैं कि रेट जमीन पे नहीं जा सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रोजगार में इजाफा होना चाहिए। जब रोजगार में इजाफा किया जाएगा लोगों के ऊपर खुशहाली आएगी और इस खुशहाली से लोगों के आभार ऐसे होंगे कि वो कुर्बानी कर सकेंगे और अपने घर में चीजें भी पूरी कर सकेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं टेस्टी फास्ट फूड पे, बॉयज कॉलेज हैबिटाबाद के बिल्कुल साथ है। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इन्होंने सिस्टम बनाया, यहाँ पे बर्गर आपको, रोल, समोसे, पकोड़े और ये चना चाट वगैरह बड़ी जबरदस्त चीजें मिलती हैं।
आज इनसे ये पूछेंगे कुर्बानी का वक्त आ गया है, महंगाई बहुत हो गई है और ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमारी इस्तेताद से बाहर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम कुर्बानी करेंगे। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, इश्फाक भाई। ये कुर्बानी कर रहे हैं? कमर भाई से पैसे लिए? जी हाँ। अच्छा, तो कितने आपको पता है कि एक हिस्सा डालेंगे या बकरा ले रहे हैं? नहीं सर, हिस्से की, यानी कि आप किसी बैल या गाय वगैरह में हिस्सा डालेंगे? वैसे कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई इतनी होगी, एक बकरा ले लेते हैं तीन हिस्से डाल देते हैं। जी बकरे में तो एक ही साथ काफी होगा, तीन हिस्से नहीं। अब बकरा 80,000 रुपए का होगा तो इससे तो तीन मिलेगा। नाजिन, ये बड़ी जबरदस्त इम्पोर्टेंट बात है, अगर बकरा 80,000 रुपए का होगा उसमें तीन हिस्से तो नहीं डल सकते। तो गरीब आदमी के लिए बकरा लेना, ज़बह करना या खाना, ये सारी ही चीज़ें नामुमकिन हो जाएंगी। आज जब हम बाजार में जाते हैं और बकरे का गोश्त लेने लगते हैं तो हमें 1200 से 1500 या 1600 रुपये में किलो मिल जाता है और एक बकरे में 12-14 किलो गोश्त निकलता है। अगर आप उस हिसाब से भी हिसाब लगाएं तो इसको 20 से 30 हज़ार की रेंज में 12 से 15 किलो के बकरे को होना चाहिए, लेकिन मार्केट में आके 20-22 किलो के बकरे को 80,000 और 60,000 रुपये में मांगना, ये भी जुल्म है। इसके लिए भी हुकूमत को देखना पड़ेगा। मंडियां जब लगाई जाती हैं तो मंडियों पे चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे क्या मंडियों में क्या सिचुएशन। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे सवाल करेंगे। आइए भाई, अब्बास साहब कुर्बानी कर रहे हैं आप? मुश्किल है। क्यों? महंगाई बहुत है। महंगाई कितना भाई? वो कह रहे हैं बकरा लेंगे साथ ऐसे डालेंगे, बस वो कमा सकते हैं। आप बकरा लेके साथ ऐसे डाल देते? मुश्किल है, नहीं ले सकते। ये देखें जी, ये कह रहे हैं कि कुर्बानी इस दफा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपका इरादा है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इरादा है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर है। ये तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इरादे पुख्ता है जी, और देखते हैं आप ये क्या करते हैं। अमीर साहब मौजूद है, कमर साहब। कमर भाई बताइएगा, इस दफा कुर्बानी आ गई है, महंगाई बढ़ी है, कुर्बानी कर रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो आपको पता है कुर्बानी में 40-50 रुपए हिस्सा चल रहा है, जरूर करेंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा, जो लोग यहाँ से ही दिल बर्दाश्ता होकर बैठे हुए हैं तो यार बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते, उनके लिए क्या मैसेज है? कुर्बानी तो जिनके ऊपर फर्ज है, वो अगर समझते हैं कि इस्तेताद है तो वो तो करनी है, अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकते, उसकी भी इजाज़त है उसके लिए। अच्छा, जिनकी इस्तेताद नहीं है वो अच्छा, इसमें ये 7.5 तोले सोना, ये तो नमाज से पूछना पड़ेगा ना, जिनके ऊपर शरायत लागू हैं तो उनके लिए तो ज़रूरी है, वो तो फिर छूट नहीं सकते, उनकी जान नहीं छूट सकती। अच्छा, मैंने वैसे एक जगह पे ये सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर आप कर्ज लेके गाड़ी ले सकते हैं, कर्ज लेके बेटे की शादी करवा सकते हैं, कर्ज लेके फ्रिज ले सकते हैं, कर्ज लेके घर बना सकते हैं, तो कर्ज लेके कुर्बानी भी कर सकते हैं। ये जो मसाइल है ना, ये जो अपने जो इलाके के मुफ्ती साहिबान हैं उनके सामने अपनी सारी चीज़ें बयान रखी, जो अपने मजहब कहते हैं, जो इजाजत देते हैं, सब कुछ साथ तक पहुँचा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, उससे आगे नहीं। बहुत शुक्रिया कमर भाई, कह रहे हैं इंशाल्लाह इनका रहना है। मेरे सर शमस भाई बताइएगा कि इस दफा कुर्बानी की ईद आ गई है और लोग कुर्बानी के लिए तैयार हैं, आप अल्लाह पाक तौफीक दे तो खुशी भी है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है अहमदाबाद की हारदिल अजीज और मशहूर शख्सियत बशीर भाई मलंगी। बशीर भाई मलंगी, इनको मलंगी से कहते हैं, इनका मलंगी उठा होता था। बशीर भाई ये बात बताइएगा कि कुर्बानी की आ गई है, कुर्बानी का मेरे लिए क्या इंशाअल्लाह जी, बिल्कुल क्या 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 चीज अलग है जो अपनी तौफीक में होगा? कुकड़ कुकड़ी ये नहीं होगी इंशाल्लाह, बकरा कुर्बानी जा रही है, बकरा तो 80,000 रुपए का भाई इंशाल्लाह अगर नहीं होगी तो। अच्छा, वैसे बकरे में तीन हिस्से डाले भैया, अभी ये पूछना पड़ेगा मुफ्ती साहब से। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, बकरे में तीन हिस्से नहीं डाले जा सकते, बैल भी डाले जा सकते, लेकिन इनका इरादा भी है, इनका इरादा भी। अच्छा, ये बताइएगा कि बजट कमजोर बहुत है, बजट कमजोर, लोगों के हालात अच्छे नहीं है, लोगों के हालात अच्छे हैं, उम्र के पास 30-35-35-40-40 हज़ार के मोबाइल है, उन पे कुर्बानी जाए, उन पे कुर्बानी जाए जाए, बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि उनके लिए तफरी के लिए मोबाइल क्यों है और अल्लाह के लिए कुर्बानी देना उनके लिए आसान है, जबरदस्त बात है। और ये बशीर भाई का मोबाइल रखते हैं तो धाक बन गए, वो मोबाइल भी कुर्बानी भी लगाए हैं, आप करेंगे। आप जनाब अली बशीर भाई ने ये कहा कि जिनके पास 40,000 50,000 30,000 का मोबाइल है
उसके ऊपर कुर्बानी फर्ज है, हफ्ते का वो 400-500 का पैकेज ले सकते हैं, तो क्या वो कुर्बानी नहीं कर सकते? आप कुर्बानी करनी चाहिए, सबको इसका अपने दिल में इरादा रखना चाहिए और मुसलमानों में इरादा रखना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह की मदद करेगा, आप सब कुर्बानी करेंगे और जो कुर्बानी कर रहे हैं उन सबके लिए ये मैसेज अभी से, इन सबके पास भी, उन सबके पास भी, उन सबके पास भी, जो सब मुझे दुनिया से आप देख रहे हैं, आपके लिए मैसेज है, अपने देखिए ऐसे गरीब लोग जिन्होंने कुर्बानी ना की हो उनके घरों में अगर आप गोश्त भिजवाएंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने भिजवाया हो, ऐसा भी कहा जाता है, नहीं इनको सारे भेजते हैं, आप अपना हिस्सा उनको भेजें ताकि आपका हिस्सा कबूल हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करवाएगा। अब जान न्यूज़ से नासर वासी को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।